हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए HPSSC क्वेश्चन पेपर माइनिंग इंस्पेक्टर का पोस्ट कोड 940, जो कि आज 8 मई को कंडक्ट करवाया गया था HPSSC के द्वारा इवनिंग सेशन में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सिर्फ GK पोर्शन है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर थर्मल पावर स्टेशन फेड ऑन नेचुरल गैस इज एट। तो प्राकृतिक गैस पोषित मुख्य ऊष्मीय शक्ति स्टेशन कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नाहरकाटिया। नाहरकाटिया जो है ये आपका दिब्रूगढ़ असम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, फुलेच फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो फुलेच मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, किन्नौर। किन्नौर में फुलेच फेयर सेलिब्रेट किया जाता है। तो 143 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, इन विच प्रिंसली स्टेट इट डॉक्टर YS परमार सर्व एज अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। किस रियासत में डॉक्टर YS परमार ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिरमौर। और आपको पता ही होगा डॉक्टर YS परमार हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज अर्न्ड फेम फॉर इट्स रुमाल्स। हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने अपने रुमालों के लिए ख्याति हासिल की है? तो ये है चंबा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है चंबा। क्वेश्चन नंबर 46, मृकुला देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। मृकुला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौल एंड स्पीति में है मृकुला देवी टेम्पल। नेक्स्ट है 147, सुमन रावत वोन द परशुराम अवार्ड इन विच ईयर। सो इट्स राइट आंसर इज 1987, ऑप्शन नंबर सी। सुमन रावत ने 1987 में परशुराम अवार्ड जीता। तो ये एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है फ्रॉम हिमाचल। नेक्स्ट है 148, घी इज अ फोक डांस ऑफ द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। घी हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का लोक नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है सिरमौर। तो घी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के लोगों का फोक डांस है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, अर्नी यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन HP। अर्नी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौरा। इंदौरा है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, विच इज द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कोल बांध जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन नंबर बी, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसकी कार्यकारी एजेंसी है। और ये 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 151, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ HP। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस तहसील में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये है भरमौर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भरमौर चंबा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज 152, व्हेन HP वॉज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971, इट बिकेम विच स्टेट ऑफ इंडिया। जब 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यह भारत का कौन सा राज्य बना? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18वां राज्य बना 1971 में। नेक्स्ट इज 153, हु इन्वेडेड कांगड़ा इन 1805 AD। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह थापा। 1805 ईस्वी में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? तो वो किया था अमर सिंह थापा ने। क्वेश्चन नंबर 154, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ HP विधानसभा वॉच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पंडित जयवंत राम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जयवंत राम।
और जब हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर थे, तो वो थे आपके 36 मेंबर थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 155, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन HPR हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 68। नेक्स्ट इज 156, वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास वॉस, तो ब्यास का जो वैदिक नेम है वो क्या है, तो आई होप ये आप सभी को पता होगा कि रिवर ब्यास का वैदिक नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अरिजिकिया, और इसका जो संस्कृत नेम है वो है बिपाशा। और व्यास नदी कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, या आपकी व्यास कुंड से ऑरिजिनेट होती है। नेक्स्ट इज 157, कुनिहार वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सोलन, सोलन में है कुनिहार वैली। क्वेश्चन नंबर 122, रियोन इज केमिकली, इट्स अ साइंस क्वेश्चन, तो रियोन केमिकली जो है वो सेलुलोज है, इसका जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 123, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन केल्विन स्केल इज, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, द कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग इज, मलेरिया रोधी औषधि में प्रयुक्त यौगिक है, तो क्लोरोक्विन यूज किया जाता है एंटी मलेरियल ड्रग्स में। नेक्स्ट है 125, कैल्शियम कंटेंट इज मैक्सिमम इन सोरगम, सोरगम में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 126, व्हिच वाज नॉट एन इंडस वैली साइट, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो कौन सी सिंधु घाटी स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्रा जो है वो सिंधु घाटी साइट्स में नहीं आता है, और बाकी सारे आते लोथल, रंगपुरा, सुक्ता, गिंडोर, तो ये सारे इंडस वैली साइट्स में आते हैं। नेक्स्ट इज 127, द क्रक्स ऑफ अर्ली बुद्धिज्म वॉज, प्रारंभिक बौद्ध धर्म का मर्म था, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रिनन्सिएशन ऑफ डिजायर, इच्छा का परित्याग करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 127, विच गुप्ता रूलर वॉज एन एक्सपर्ट वीणा प्लेयर, कौन सा गुप्ता शासक एक दक्ष वीणा वादक था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 129, हु यूनाइटेड ऑल द सिक्स एंड फाउंडेड अ किंगडम इन द पंजाब, किसने सभी सिखों को एकजुट किया और पंजाब में एक साम्राज्य की स्थापना की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराणा रणजीत सिंह, महाराणा रणजीत सिंह ने सिखों को एकजुट किया और पंजाब में एक साम्राज्य की स्थापना की, तो 129th का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको पोस्ट कोड 940 माइनिंग इंस्पेक्टर की फुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।